हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर क्रिएशन सेंटर। आज हम लोग एएसओ में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, और एएसओ का जो क्वेश्चंस है वो हमारा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, उसका सेट हमारे पास ए सेट अवेलेबल है, और उसमें जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन नंबर एक की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर एक जो पूछा गया है वो पूछा गया हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट राइट टू प्राइवेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट राइट टू प्राइवेसी एज पर द जजमेंट डिलीवर्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन दे रखा है, इट इज फंडामेंटल राइट टू राइट ऑफ द सिटीजन्स, इट इज एन इंट्रिंसिक राइट, इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ए बिल्कुल है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। उसके साथ दे रखा है, इट इज एब्सोल्यूट अनलाइक द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइवलीहुड। यहाँ पर जो एक टर्म है एब्सोल्यूट, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो टर्म है एब्सोल्यूट, ये बिल्कुल नहीं है। एब्सोल्यूट वहाँ पर टर्म मेंशन नहीं, ये किसी हालत में आपका एब्सोल्यूट नहीं, इसको हम लोग चाहे तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया नॉट करेक्ट, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, विच प्लेस शैल बी द टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा इसका जो आंसर हमारे पास है, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में फर्स्ट बुलेट ट्रेन चलाया गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम डिड विन द रणजी ट्रॉफी 2017-18, जो कौन सा टीम ने हमारा रणजी ट्रॉफी को जीता, इसमें है विदर्भा, आपका नागपुर का टीम है विदर्भा जिसने आपका टीम जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2017। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, विनोद खन्ना, बिल्कुल सही आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। आज का क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है, विच मंथ शैल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अंडर पोषण अभियान। पोषण अभियान के अंदर कौन सा मंथ को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे नेशनल न्यूट्रिशन मंथ तौर पे। ठीक है, और इसका जो आंसर है आपका सितंबर मंथ, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु हैव वन द 2018 रमन मैग्सेया अवार्ड, और इसका जो आपका आंसर अवेलेबल है, और इसका आंसर दिया है भारत भातविन एंड सोमन बेंगो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, विच कंट्री हैज अलाउड वुमेन टू ड्राइव इफेक्ट फ्रॉम जून 2018 से किसने वुमेन को अलाउ किया है चलाने के लिए, गाड़ी मोटर चलाने के लिए किसने अलाउ किया 2018 से, और इसका जो आंसर अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर बी का, सेवन का आंसर नंबर बी इज करेक्ट, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच कंट्री डिड होस्ट कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग 2018, इसका आंसर जो आपका पास है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया, विच सिटी हैज बीन प्रोजेक्टेड बाय द पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स टू बी द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय 2028, इसका जो आंसर दे रखा है दिल्ली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड 1914-1948, इसका आंसर है आपके पास रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते, विच बैटल डिड पुट एन एंड टू द फ्रेंच चैलेंज टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया, इसका आपका जो होगा बैटल ऑफ वैंडिवस। इसका डिटेल्स में अभी हम लोग नहीं जा रहे, टोटल आंसर डिस्कस कर रहे, क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स को अभी ये भी जानना जरूरी कौन सा आंसर सही दिया है कौन सा आंसर गलत दिया, इसलिए हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया, विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा हमारा करेक्ट नहीं दे रखा है, इसमें दिया उड़ीसा वॉज कन्कर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1803, उड़ीसा वॉज रूल्ड बाय द मराठाज एट द टाइम ऑफ कन्क्वेस्ट, उड़ीसा वॉज सीडेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ट्रीटी ऑफ आर्गन। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा ट्रीटी ऑफ देवघर से हमारा हुआ था, उड़ीसा को सीड किया गया था, यहाँ पर क्या दे रखा है ट्रीटी ऑफ आर्गन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया हुआ, 13, विच एक्ट डिड इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन हमारा कौन से एक्ट से आया। ठीक है, इसका आंसर हमारा जो होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऐसे मैं अपने क्लास में फुल डिटेल्स में ये सारे एक्ट के बारे में डिस्कस किया हूँ, बट
जो लोग मेरे से नहीं जुड़े हुए वो लोग एटलीस्ट करेक्ट आंसर जान ले क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वॉच द रिवोल्ट ऑफ 1857 किंडल्ड, कहाँ पर ये रिवोल्ट आपका स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका होगा मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ गादर पार्टी इस्टेब्लिश्ड, सैन फ्रांसिस्को। इतना इजी इजी सा क्वेश्चन आया हुआ, यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तभी आप लोग को लग रहा होगा बहुत ही टफ चीज़ है, ऐसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी एड्रेस ए पब्लिक मीटिंग एट कटक ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ड्यूरिंग कटक में कब से गांधी जी ने एड्रेस किया था, पब्लिक को एड्रेस किया था, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका होगा मार्च 24, 1921। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, व्हेन डिड गांधी ब्रेक द सॉल्ट लॉ एट डांडी। डांडी में सॉल्ट लॉ को कब गांधी ने ब्रेक किया और इसका आंसर है 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया का प्रोविजनल गवर्नमेंट कहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने इस्टेब्लिश करा था, इसका आंसर है आपका सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, व्हाट इज नॉट द करेक्ट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। इसका आपका दिया हुआ ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसका आपको ऑप्शन जो दे रखा है, ऑप्शन दिया हुआ है, इट एम्बॉडीज द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ। इट कैन नॉट बी अमेंडेड जो आपका ये करेक्ट नहीं है, हम लोग अमेंड कर सकते हैं बट ध्यान इतना ही रखना है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कभी डैमेज ना हो, इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। इसके लिए हमारा सबसे फेमस केस है केशवानंद भारती केस, ठीक है। डिटेल्स में क्लास में डिस्कस हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करने जा रहा हूँ, सिर्फ आंसर बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द आर्मड फॉर पर्सनल फोर्स, नहीं। सेविंग ऑफ लॉज विथ रिस्पेक्ट टू परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट दिया रेस्ट्रिक्शन टू द सिटीजन्स राइट, आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, हु आर द इलेक्टर्स ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जो आपका आंसर देखते हुए कौन सा हो सकता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, इलेक्टेड मेंबर ऑफ ओनली राज्यसभा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, व्हाट इज एन एडवांस ग्रांट मेड बाय द पार्लियामेंट पेंडिंग रेगुलर पासेज ऑफ द बजट कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोट एन अकाउंट बोलते हैं, क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा वोट एन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विच रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू कमांड द पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म पब्लिक स्टैट्यूटरी ड्यूटी दैट इज ए पार्ट ऑफ दियर ऑफिशियल ड्यूटी बट फेल टू परफॉर्म। यहाँ पर इन दोनों इन सारे पांच जो रिट, चार रिट आपके दिया हुआ है, इनमें से कौन सा रिट आपको इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, तो आपको पता होगा बहुत ही अच्छे से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट मैंडमस जो है, विच सब्जेक्ट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, और इसका ऑप्शन आपके पास जो दिया हुआ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, नेक्स्ट दिया एडुकेशन, नेक्स्ट आपको दे रखा है एग्रीकल्चर, नेक्स्ट दे रखा है रोड ट्रांसपोर्ट, और इसका आंसर जो होगा एडुकेशन होगा, क्योंकि एडुकेशन जो स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही आपका प्रायोरिटी, इस वजह से इनको स्टेट लिस्ट से सेंट्रल आपका स्टेट लिस्ट से दे दिया गया है कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो दे रखा है, क्या बोला गया, व्हेन वाज अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ म्यूनिसपैलिटीज मेड इफेक्टिव, कब इसका अमेंडमेंट किया गया, 1993।
बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आंसर बताया जा रहा है, कुछ ज़्यादा डिटेल्स में आपको बात करना होगा तो आप हमारे सेंटर पर आ ही सकते हैं, मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, बाकी सारे लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई करें और मैं क्या बोल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ जाते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता हो क्या होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है एटमोसफेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग जाते हैं, 27 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, नेक्स्ट दे रखा है मेटामॉर्फिक रॉक, नेक्स्ट दे रखा है ऑर्गेनिक रॉक। ये सारा क्वेश्चन एलेक्स सर आपके क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए होंगे और ये क्वेश्चन का आंसर होगा इग्नियस रॉक। अभी आप मैं बात करूँ तो अभी क्वेश्चन नंबर 26 में कुछ ही दिन पहले, आज से आई थिंक 4-5 दिन पहले एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, एटमॉस्फेयर चैप्टर, उसने इस क्वेश्चन का आंसर करवाया था और बोला था ये क्वेश्चन नंबर 26 इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता, आप लोग कर लें, और देखो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्या बोला गया, व्हाट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के लिए कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इट इज कॉज्ड बाय एंडोजेनेटिक फोर्स ऑफ अर्थ, सही दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय इट इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल, ये भी सही है। द डैमेज कॉज्ड बाय इट इज मेजर्ड बाय मर्कली इंटेंसिटी, इसके लिए भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया, एपिसेंटर इज द पॉइंट, एपिसेंटर इज द पॉइंट डीप अंडर द ग्राउंड वेयर इट इज एक्चुअली बिगिंस, ये पॉइंट सही नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विच स्टेट इज नॉट बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सा स्टेट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बाइसेक्ट नहीं करता है, ये दिया हुआ है। और आपका जो उड़ीसा स्टेट है ये आंसर सही है, ये बाइसेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, व्हाई इज चिल्का लेक कॉल्ड ए लगून, चिल्का लेक को लगून क्यों बोला जाता है? इट इज फॉर्म ड्यू टू डैमेजिंग ऑफ सेक्शन ऑफ रिवर्स, ये क्वेश्चन चिल्का आप लोग पढ़े हो और गए भी हो, कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो दे रखा है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्शन ऑफ द वेव्स एंड कोस्टल रीजन्स, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 होगा हमारा नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द ओल्डेस्ट रॉक फाउंड, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन इसका आंसर अरावली सही दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आया था कि आपका कोरापुट से जो निकला हुआ है सेकेंड ओल्डेस्ट रॉक फाउंड किया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए था, बट क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, इससे रिलेटेड मैं ज़्यादा कुछ इसलिए अभी आपको बता नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑफ 2018। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सा स्टेट का सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट से कवर किया गया गवर्नमेंट रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर दिया MP, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ 21st नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस इन 2018, यहाँ पर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ई गवर्नेंस, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया ट्रांसपेरेंसी एंड ई गवर्नेंस, नेक्स्ट दिया टेक्नोलॉजी एंड गुड गवर्नेंस, नेक्स्ट दिया टेक्नोलॉजी एंड एक्सलरेटिंग डेवलपमेंट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, व्हाट इज कॉल्ड रोलिंग प्लेन, रोलिंग प्लेन किसे, अभी बहुत दिन पहले बहुत ज़्यादा न्यूज में था रोलिंग प्लेन बहुत ज़्यादा न्यूज में था आपका, तो 36 नंबर क्वेश्चन है रोलिंग प्लेन से रिलेटेड, रोलिंग प्लेन किसे बोलते हैं, ए प्लेन दैट चेंजेज इट्स टारगेट एंड एलोकेशन एवरी ईयर, इट इज नोन एज रोलिंग प्लेन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 37, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने के लिए हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, GDP दिया हुआ है, NDP दिया हुआ है, GNP दिया हुआ है,
पर कैपिटा रियल इनकम दिया, पर कैपिटा रियल इनकम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज द फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट, फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट कौन सा है। अभी आपको पता होगा बहुत न्यूज, इसने बहुत ज़्यादा आपका फेमस न्यूज है और सभी को पता भी होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, आपका सिक्किम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 39 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, विच स्कीम इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड मार्केट रेलिवेंट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू यूथ, कौन सा स्कीम है जो मार्केट रेलिवेंट स्किल लोग हमारे यूथ को प्रोवाइड करने जा रहा है, उस स्किल का नाम क्या है। संपदा, स्वयं, सक्षम, संकल्प, संकल्प सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, 40, व्हाट इज द प्रोडक्ट उल्टा चट्टा यूज्ड फॉर, प्रोडक्ट उल्टा चट्टा किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ रिटेलिएटिंग अटैक, रिसाइकलिंग प्लास्टिक, ट्रैकिंग एब्सॉन्डेड क्रिमिनल, कन्वर्सिंग, कंजर्विंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर, कंजर्विंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं उल्टा चट्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज द फर्स्ट इंडिजीनियस बैटल टैंक ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब इंडिया में बनाया हुआ कौन सा बैटल टैंक है। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन दे रखा है अजेया, अर्जुन, भीष्मा, विजयंता, इसका आंसर जो आपका होगा विजयंता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, वेयर वाज द राफेल एयरक्राफ्ट वाज एक्वायर्ड फ्रॉम, राफेल एयरक्राफ्ट आपको पता ही होगा अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में चल रहा है, राहुल गांधी जी हमारे बहुत ज़्यादा इसको न्यूज में उठा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा जरा सा आप बता सकते हैं क्या, थोड़ा सा सोचिए, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वेयर इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, वेयर इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है जो अभी काम चल रहा है, पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अमेठी, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बिनोला, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है देहरादून, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, व्हाट इज द लैंडर ऑफ चंद्रयान टू नेम्ड एज, व्हाट इज द लैंडर ऑफ चंद्रयान टू नेम्ड एज, चंद्रयान टू का जो लैंड किया उनका नाम क्या रखा गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन आपके पास दे रखा है रमन, कलाम, होमी, विक्रम, तो इसका आपका नाम जो दे रखा है वो है विक्रम, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स कोटेड विथ, किस चीज़ से कोट किया जाता है ना आपके घर में, सभी के घर में आजकल नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स यूज होता है, तो उसमें जो कोटिंग होता है किस चीज़ का कोटिंग किया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एंड दिया हुआ ऑप्शन जो दिया हुआ एनोडाइड एल्यूमिनियम, नेक्स्ट दिया इनेमल्ड कास्ट आयरन, नेक्स्ट दिया टेफ्लॉन, नेक्स्ट दिया कॉपर, तो आपको पता होगा टेफ्लॉन से कोट किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड टू डिमॉन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड अर्थ डे में कौन सा थीम रखा गया था, 46 नंबर क्वेश्चन ये, और इसका आंसर क्या होगा, ये चार ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें आपको बताना है। क्लीन अर्थ, ग्रीन अर्थ पहला ऑप्शन दे रखा है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट लिटरेसी, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ट्रीज फॉर अर्थ, नेक्स्ट दे रखा है एंड प्लास्टिक पॉपुलेशन, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47 जो हमारा बोला गया, विच इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑलिव रिडली सी टर्टल, सी टर्टल जिसका एक आपका दिया हो ऑलिव रिडली, उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर दिया हुआ है, एनवायरनमेंट से मेनली रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ, ये चार ऑप्शन बहुत ही लंबा है, इसको आप पढ़ने में ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, सो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर दिया है विच इज नॉट मेंशनड एज ग्रीन हाउस गैस इन क्योटो प्रोटोकॉल टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, किसको हम लोग
ग्रीन हाउस गैस के टर्म में मेंशन नहीं किए हैं क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन दिया है, हुज कॉन्सेप्ट वाज नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट किनका कॉन्सेप्ट था? आपको पता होगा जिस टाइम हमारा बाइपोलर वर्ल्ड चल रहा था, यूएसएसआर एक तरफ था और दूसरी तरफ यूएस था, तो वहाँ पर हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू, वो नैम को प्रमोट करते जिसको बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। तो जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 बोला जा रहा है, हु इज एलिजिबल टू द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन कौन बन सकता है? ए सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर इच जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। नेक्स्ट दे रखा है आपको, नेक्स्ट ऑप्शन दिया एड्रेसेस एवरी सेशन ऑफ पार्लियामेंट, नेक्स्ट दिया हुआ नेवर एड्रेसेस पार्लियामेंट। तो ये चार ऑप्शन दिया। आपका प्रेसिडेंट नाम का चैप्टर पावर पॉलिटी में जब आपको पढ़ाया गया तो वहाँ पर आपको बताया गया जब आपका जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद फर्स्ट सेशन जब होता है दोनों हाउस को साथ बिठा कर आपका प्रेसिडेंट वहाँ पर एड्रेस करते हैं, और साथ ही साथ फर्स्ट सेशन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, सारे साल का स्टार्ट का जब फर्स्ट सेशन होता है तो वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका देखिए बिगिनिंग मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ एड्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, जबकि होना क्या चाहिए था एड्रेसेस बोथ द हाउस एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर का बिगिनिंग में, यहाँ पर फर्स्ट सेशन, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट 52, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इनका लेबर एसोसिएशन को किसने फॉर्म किया? महात्मा गांधी जी ने फॉर्म किया था। कब फॉर्म किया था? 1918 में फॉर्म किया था। ये सारी बातें क्लास में डिस्कस हुई होंगी आपके बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्योग्राफी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ज्योग्राफिकली सिग्निफिकेंट टू इंडिया इज बिकॉज ऑफ, आपको पता होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये बताता है, इसलिए 51-53 का क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फॉर रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस ट्रेड इन कंट्री द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड। इंश्योरेंस ट्रेड के लिए गवर्नमेंट ने किस चीज़ को फॉर्म करके रखा है? इंश्योरेंस ट्रेड के लिए गवर्नमेंट ने IRDA को फॉर्म करके रखा है, जिसका नाम क्या होता है आपका, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। 54 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर वट मानस सेंचुरी इन आसाम नॉन। मानस सेंचुरी जो आसाम में हो किस चीज़ के लिए बहुत ही फेमस है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 है और इसका आंसर होगा एलिफेंट, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हिस्टोरियन आर द व्यू ऑफ ब्रिटिश साइंट ट्रीटी ऑफ बेसिन विथ साइफर, हु आज द साइफर। साइफर इसमें कौन थे, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, रघुनाथ राव ऐसे तो थे, बाजीराव टू थे, देख लेते और क्या क्या ऑप्शन है। उसके बाद दिया हुआ है दौलत राव सिंधिया, बाजीराव टू और नाना फर्नांडिस, तो बाजीराव टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर कोस्ट लाइन। कितने स्टेट्स इंडिया में हैं जो कोस्ट लाइन शेयर करते हैं? और इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन 9 इज करेक्ट। कौन कौन सा स्टेट है जो आपका कोस्ट लाइन शेयर करता है? पहला स्टेट है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटका, फिर है केरला, फिर है तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा, फिर है वेस्ट बंगाल। टोटल 9 स्टेट्स हैं जो आपका कोस्ट लाइन शेयर करते हैं इंडियन स्टेट्स में। ठीक है,
तो अब हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज फ्रॉम डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इंडियन प्लेन एंड डेक्कन प्लेटू, इंडियन प्लेन और डेक्कन प्लेटू को डिवाइड करने वाला लाइन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सतपुरा रेंज होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड कासांग हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड साइंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच आर बींग सपोर्टेड बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक वर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो आपको पता हो कुछ दिन पहले न्यूज में था कि एशियन डेवलपमेंट ADB ने इन लोग को सपोर्ट किया, कौन से स्टेट में, वो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, तो इसमें बोला गया है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिल्ली वाज डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, NCT दिल्ली को जो बनाया गया वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया। तो आपको पता होगा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 के थ्रू दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करें। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द करेंट रेपो रेट इन द सेकेंड बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू ऑफ RBI फॉर फिनेंशियल ईयर 19। फिनेंशियल ईयर 19 का बाय सेकेंड बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी में रेपो रेट क्या रखा गया है, तो रेपो रेट क्या रखा गया आपका 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स आर नॉट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कौन सी एक्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्ट नहीं करी है। ऑप्शन यहाँ पर दिया अफ्सपा पोटा MCOCA फेमा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिसका फुल फॉर्म आपका होता है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जिसको 1999 में आपका महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इनेक्ट करा था, पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट नहीं करा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटेन द बुक द पैरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, पैरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी ने किसने लिखा है। PC अलेक्जेंडर इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर कौन थे। गणेश वसुदेव मबलानकर, बिल्कुल सही आंसर, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 90 East रिज इज द सबमरीन ऑफ वॉल्केनिक रिज लोकेटेड इन इंडियन ऑशियन, चेक करने की जरूरत नहीं पड़े, देख पा रहे कितनी इजी प्रॉब्लम्स आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द लॉन्गेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया, 22nd December। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 67 की तरफ मूव कर रहे हैं। 67 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन क्या दिया, द हिंदू एंड जैन मिथोलॉजी रेफर टू विच अमंग द फॉलोइंग एज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ये हिंदू और जैन मिथोलॉजी में किसको हम लोग सेंटर ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं, तो माउंट मेरू को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, माउंट मेरू आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर की तरफ बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया 68, ब्रिंग आउट द सी विच हैज नो कोस्ट लाइन, ऐसा समंदर का नाम बता जिसका कोई कोस्ट लाइन नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन ये, और इसका आंसर होगा सरास्को सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक इन द वर्ल्ड, बहुत ही फेमस आंसर है लेक विक्टोरिया, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70, ऑन विच डे ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड, कौन सा दिन हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होगा 10th January अभी रिसेंटली गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग वायसराय वाज एसोसिएटेड विद इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रावर्सी, इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रावर्सी एलेक्सर ने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया होगा, और इसका आंसर जो होगा लॉर्ड रिपन इज द करेक्ट आंसर।
और ये जो कब हुआ था कंट्रोवर्सी, 1884 में आपका हुआ था, लॉर्ड रिपन एलेक्सन ने डिस्कस कराई होगा, मैं इससे रिलेटेड क्या डिस्कस कर रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं 72 के तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट और मूवमेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर क्रोनोलॉजी। आपको इसको डेट को और ईयर के बेसिस पे आपको अरेंज करना है, कौन सा मूवमेंट पहले हुआ था, कौन उसके बाद हुआ था, इसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। पहला दिया रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, नेक्स्ट दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नेक्स्ट दिया बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन, नेक्स्ट दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको पता होगा सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद साइमन कमीशन आया था, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 73 की तरफ जा रहे हैं। द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी वॉज हेल्ड एट बेल्जियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। हमारा देश में कब नेशनल फ्लैग फर्स्ट टाइम के लिए होस्ट किया गया था इंडिया में, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन दे रखा है नागपुर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कोलकाता और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है दिल्ली। आपको पता होगा 7 अगस्त 1906 को फर्स्ट टाइम हम लोग ग्रीन पार्क में कोलकाता में नेशनल फ्लैग को होस्ट किए थे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 75। ब्रिंग आउट द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दे रखा है, ठीक है। इसमें दिया कावेरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज आफ्टर चाइना, यही ऑप्शन गलत दिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। उद्यमी इज द हेल्पलाइन फॉर, नाम से ही पता चल रहा है उद्यमी, एमएसएमई के लिए दिया गया है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ आरटीजीएस। आरटीजीएस का आपको पता होगा लोअर लिमिट तो है 2 लाख रुपये, बट अपर लिमिट कुछ भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग जा रहे हैं 78 की तरफ। 78 आपको क्या दिया रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक ग्रोथ एंड फिनांस, ग्रोथ एंड फिनांस किसने लिखा था। आपको ऑप्शन दिया हुआ है बीमल जालान, के सुबाराव, सी रंगराजन, अमृता सेन। यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा स्टार्टिंग थी तीन जो आपका आरबीआई के गवर्नर रहे और अभी सी रंगराजन जो थे आपका ये बुक को लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नॉन एज मर्सेंटाइल लॉ ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं मर्सेंटाइल लॉ, बड़ा ही फेमस सा चीज है। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ईयर मिशन ओलंपिक आर्मी प्रोग्राम वॉज लॉन्च, 2001 में हुआ था, लॉन्च हुआ था, देख लेते कौन सा ऑप्शन में दिया, 2001, 1999, 2000। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है भाई, 2001, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चेक विच इज नॉट एजेंसी ऑफ यूएन, कौन सा यूएन का एजेंसी नहीं है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, यही आपका यूएन कमिटी नहीं, ठीक। नेक्स्ट, एन इंडियन हु बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे का जो प्रेसिडेंट बने थे कौन सा इंडियन बने थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जापान इज द करेक्ट आंसर। आपको क्लास में करवाया भी होगा जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया गया, तो वहाँ पर मैंने बताया भी था कि फुकरू याद रखना, आपको कोड वर्ड बना के मैंने बताया था, जिसका फुल फॉर्म भी क्लास में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर जापान हमारा नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 2000 रन इन T20 इंटरनेशनल
क्रिकेट आपको पता होगा, नन अदर देन विराट कोहली, विराट कोहली हो सकती है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन बचा, तुरंत हमारा डिस्कस हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु हैज़ बीन क्राउंड एज फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2018। मिस इंडिया वर्ल्ड 2018 का अवार्ड से किसको क्राउन किया गया था, ऑप्शन दे रखा है श्रेया राव, अनुकीर्ति वास, नेक्स्ट दे रखा है मीनाक्षी चौधरी, नेक्स्ट दे रखा है नीलम खुराना, इनमें से कौन से आपके आंसर होंगे, तो अनुकीर्ति वास जो होगा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 87 क्या बोल रहा है, विच रिनाउंड पर्सनैलिटी हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिक्किम गवर्नमेंट, तो जय हो गाने वाले कौन थे, ए आर रहमान, यही आपका इनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बाय एनुअल इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस 2018 वाज हेल्ड इन विच सिटी, न्यू दिल्ली, निर्मला सीतारमन ने इनको किया था, आपके न्यूज में आया भी होगा, ध्यान दियो या नहीं दियो, बस न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर क्वेश्चन, ये दे रखा है, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक डे 2018, स्टैटिस्टिक फॉर कॉमन मैन, क्वालिटी एश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक फॉर न्यू इंडिया, स्टैटिस्टिक फॉर डेवलपमेंट, इसका आंसर जो है क्वालिटी एश्योरेंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 अब हम लोग करने जा रहे हैं, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 90 दे रखा है, हु हैज़ बीन क्राउंड एज द इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल क्वीन, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया बताओ, तो ये आपका उड़ीसा से ही ये स्टूडेंट जो गर्ल है इनको मिला था आपका फर्स्ट ट्राइबल क्वीन का अवार्ड मिला था, ऑप्शन देख लेते क्या क्या दिया, पंचमी मांझी नहीं, नेक्स्ट दे रखा है रश्मि रेखा हसनत नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, तुलसी मुंडा नहीं, नेक्स्ट दे रखा है पल्लवी दुरुआ, ये बिल्कुल सही आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 91 की तरफ, 91 यहाँ पर आपका दे रखा है, अंडर इस इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2018 विच स्मार्ट सिटी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सिटी अवार्ड फॉर शोइंग ग्रेट मोमेंटम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, किसको ये अवार्ड मिला था, आंसर आपको पता ही होगा सूरत को मिला था। नेक्स्ट, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, इटली के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसका जो आंसर आपको पता होगा ग्यूसेपे कॉन्टे, इसका आंसर आपका। नेक्स्ट 93 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, ये क्वेश्चन है और आंसर है 136 रैंक है आपका। नेक्स्ट है 94, व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे का थीम क्या था 2018 का, प्रिवेंट ओशियन फ्रॉम प्लास्टिक पॉल्यूशन, नेक्स्ट आवर ओशियन आवर फ्यूचर, नेक्स्ट हेल्थ ओशियन हेल्दी प्लैनेट, नेक्स्ट प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड एनकरेजिंग सॉल्यूशन फॉर हेल्दी ओशियन, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 95, विच इंडियन आर्म फोर्सेस इज ऑब्जर्विंग द ईयर 2018 एज ईयर ऑफ डिसेबल्ड सोल्जर इन लाइन ऑफ ड्यूटी, कौन कर रहे, इंडियन आर्मी, 95 का ए करेक्ट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपका क्वेश्चन 96, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द डीआरडीओ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017, 2017 का डीआरडीओ का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, ऑप्शन दे रखा है ये चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये आपको बताना है, तो के वी के सरस्वत ज्योति, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 97, द मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी गांधी विजय 2018 वाज कंक्लूडेड इन विच स्टेट, तो आपको पता होगा राजस्थान में ये कंक्लूड हुआ है। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, अपर पार्ट ऑफ सी और एक्वाटिक इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ गया, अपर पार्ट किस एक्वाटिक इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू,
infrared rays reaching earth moisture layer in atmosphere, increase in the temperature due to increase in carbon dioxide concentration of the atmosphere. Option number C is correct. Next they rakha 100. Study of interrelationship between organism and their environment is known as which of the following. Option there rakha ecology, ecosystem. Next they rakha aapka phytogeography. Next they rakha aapka इथोलॉजी. इकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर. इस तरह से आज हमारा जीएस पेपर एएसओ में जो भी टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस आए थे, इस तरह से हमने डिस्कशन कर लिया और आज का डिस्कशन हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ. ठीक है, थैंक यू.